हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्क बुक 2023-24 के अध्याय 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के कार्यपत्रक 40 को सॉल्व करना सिखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 39 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। प्रश्न क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु जहां पर वो दोनों एक दूसरे को काटेगी उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी। इसका मतलब यह है कि उस कटान बिंदु पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी कितनी दिशा होगी? दो दिशा होगी। जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक और एक ही दिशा होती है। ठीक है, यानी जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी केवल और केवल एक दिशा ही होती है। किसी भी बिंदु पर अगर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दो दिशा अगर प्रदर्शित हो रही है द्विक्षीचक सुई के अंदर, यानी जहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, यहां पर अगर हम द्विक सूचक सुई को रखेंगे, इसको रखेंगे द्विक सूचक सुई को रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इस वजह से कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटेगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी रेखाएं होगी? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल और केवल एक दिशा होती है। इस वजह से कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने आप को या एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ठीक, दूसरा प्रश्न, किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाइए। यह आपके सामने एक छड़ चुंबक दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? छड़ चुंबक। अब हमें पता है कि छड़ चुंबक के अंदर जो आपकी चुंबकीय रेखाएं होती है वो कहां से शुरू होती है? उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पे खत्म होती है। ठीक है, बाहर की तरफ। वही बात करें छड़ चुंबक के अंदर की तरफ, तो छड़ चुंबक के अंदर जो इनकी दिशा होती है वो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। कहां पर? छड़ चुंबक के अंदर की तरफ। ठीक है, और छड़ चुंबक की दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, दोनों ध्रुवों पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। क्योंकि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होता है, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ध्रुवों की तुलना में कम होगा। क्योंकि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कम होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 3, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? हमने पिछले कार्यपत्रक में भी सीखा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो जब एक चुंबक और एक कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहां पर आपके सामने देखो ये क्या है, ये आपका एक चुंबक है। क्या है? एक छड़ चुंबक है। और ये क्या है आपकी? ये एक आपकी कुंडली है। जब इस चुंबक को कुंडली के पास में या पास और दूर में क्या कराई जाती है? आपेक्षिक गति कराई जाती है। तो होता क्या है कि कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से इस कुंडली में क्या होती है? जिसकी वजह से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कौन सी विद्युत धारा? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 4, विद्युत जनित्र जिसे हम जनरेटर कहते हैं उसकी क्रिया विधि लिखनी है कि आखिर वो काम कैसे करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सॉरी विद्युत जनित्र के में क्या करनी है? क्रिया विधि, उसकी ब्रोकिंग प्रोसेस बतानी है कि आखिर वो काम कैसे करता है। तो आपके सामने ये एक विद्युत जनित्र का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक चित्र दिया हुआ है जिसमें देखो ये दोनों क्या है, ये आपके स्थायी चुंबक है। ठीक है, स्थायी चुंबक 1 और चुंबक 2। ठीक है,
ये बीच में क्या है, ये बीच में आपकी एक आयताकार लोहे की क्रोड है जिसे हम आर्मेचर अथवा कुंडली कहते हैं, ठीक है। ये आपकी धुरी है। फिर ये देखो B1 और B2, ये दोनों क्या है, ब्रश है, और R1 और R2 क्या है, दोनों एक वलय है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक आयताकार कुंडली ABCD, यहां पर देखो ABCD क्या है, एक आयताकार कुंडली है जिसे दो स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। यहां पर एक उत्तरी ध्रुव है और एक आपका दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक आयताकार कुंडली को रखा जाता है। फिर कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब जैसे आपकी घड़ी के अंदर सुई घूमती है ना, उस तरह क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर क्या करती है, गति करती है। यानी जब हम इस कुंडली को घुमाएंगे तो ये जो आपकी AB भुजा है ये ऊपर की तरफ, और जो CD भुजा है वो नीचे की तरफ क्या करेगी, गति करेगी। कुंडली चुंबकीय चित्र रेखाओं को क्या करती है, काटती है। जो आपकी ये कुंडली है ये क्या करेगी, चुंबकीय चित्र रेखाओं को काटेगी। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियमानुसार जो प्रेरित विद्युत धारा है वो AB भुजा में A से B की तरफ तथा CD भुजा में C से D की ओर क्या करती है, बहती है। यानी कि इस AB भुजा में A से B की तरफ और CD भुजा में C से D की तरफ क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित विद्युत धारा बाह्य विद्युत परिपथ में B1 से B2 की दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। कहां पर, इस B1 से B2 की दिशा में, ठीक है। B1 से B2 की दिशा में क्या हो रही है यहां पर, यानी कि सीधी सी बात है, ये B1 इधर है तो इधर से होके आपकी इधर विद्युत धारा क्या हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आगे बात करें, अर्ध घूर्णन के पश्चात यानी आधे चक्कर के बाद जब AB भुजा इस तरफ आ जाएगी और CD भुजा इस तरफ आ जाएगी, तो AB घूर्णन के पश्चात जो भुजा CD है वो ऊपर की ओर होगी और भुजा जो AB है वो अब नीचे की ओर जाना लगेगी। यानी एक बार तो आपकी AB भुजा गति करवाएंगे तो AB भुजा ऊपर आ जाएगी और CD भुजा नीचे आ जाएगी। फिर आधा चक्कर जैसा ही पूरा होगा तो CD भुजा ऊपर आ जाएगी और AB भुजा नीचे चली जाएगी। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब की बार क्या होगा, अब की बार जब CD भुजा इधर ऊपर आ जाएगी तो डी से सी की तरफ क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इधर होगी बी से ए की तरफ, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और कैसे प्रवाहित होगी, वो DC BA DC B और A, यानी ऐसे बहेगी, कब, जब ये आधी कुंडली घूम के ऊपर आ जाएगी तो। और DC BA के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कैसे हो जाएगी, B2 से B1 की तरफ, पहले कैसे थी, B1 से B2 की तरफ, लेकिन जैसे ही आधी कुंडली घूम के वापिस ऐसे आ गई तो क्या हो गया, आपकी विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, बदल गई। इस तरह प्रत्येक चक्र के अंदर लगातार धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, और विद्युत धारा की दिशा बार बार बदलती रहती है जिसकी वजह से परिपथ में आपकी विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बार बार बदलती रहती है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, लगातार परिपथ के अंदर प्रवाहित होती रहती है। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा भी क्या होती है, बदलती रहती है, और इसी तरह आपका जो विद्युत जनरेटर है वो कार्य करता रहता है, ठीक है। तो ये एक विद्युत जनरेटर की क्या थी, कार्य विधि थी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 5, लघु पतन जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं उससे आप क्या समझते हैं, लिखिए। लघु पतन जिसे हम अपनी भाषा में शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं उसका मतलब क्या है। तो होता क्या है कि जब कभी एक तो विद्युत धारा लाने वाला तार यानी विद्युतमय तार, कौन सा तार, विद्युतमय तार जिसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक तो वो वाला तार, और दूसरा आपका कौन सा तार, उदासीन जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं या भूमि वायर जिसे हम अर्थिंग वायर कहते हैं, जब ये दोनों तार आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो परिपथ के अंदर अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा क्या होती है, बहना शुरू हो जाती है। जब विद्युतमय तार और आपका उदासीन तार, ये दोनों तार जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है और प्रतिरोध लगभग कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है, जो तार का प्रतिरोध होता है विद्युत परिपथ के अंदर वो लगभग शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से परिपथ में बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। विद्युत धारा उपकरण से गुजरते हुए छोटा रास्ता क्या करती है, अपनाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट की हानि से बचने के लिए
घरों के अंदर या विद्युत परिपथ में किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज का उपयोग अवश्य ही किया जाता है, ताकि क्या हो, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो और जैसे ही परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले जब वो फ्यूज से होकर गुजरेगी तो फ्यूज का वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और आपके आगे का जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके जो दूसरे उपकरण जुड़े हुए हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये था आपका लघु पतन अथवा शॉर्ट सर्किट। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो विद्युत मोटर के अंदर विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो कौन सी ऊर्जा में होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, एक आपकी गतिज ऊर्जा और दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर जो विद्युत ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा में बदलती है? आपकी गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति यानी घूमने वाली डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर क्या करती है, रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटरों में, वॉशिंग मशीन में, विद्युत मिश्रकों में, MP3 प्लेयर में आदि के अंदर आपके विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। खिलौनों में आदि जगह विद्युत मोटर का उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्य पत्रक 40 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।